जिला अस्पताल के सफाई कर्मचारियों की मांगों के बाद शुरू हुआ सफाई कर्मचारियों का धरना अब पूरे शहर की मुसीबत बन चुका है। छतरपुर में हालात बिगड़ रहे हैं क्योंकि पिछले दो दिनों से शहर की गलियों में कचरे के ढेर लगे हैं। हालांकि पिछले दो दिन से हड़ताल के कारण गंदे पड़े शहर की सफाई व्यवस्था मंगलवार से पटरी पर लौट सकती है। फिलहाल शहर के कई स्थानों पर कचरे के ढेर जमा हो गए हैं। सोमवार को सफाई कर्मचारी संगठन के नेता और उनके साथ लगभग 200 सफाई कर्मचारी सिविल लाइन थाने का घेराव करने पहुंच गए। उक्त सफाई कर्मचारी दो दिन पहले उनके खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई से नाराज थे। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारियों एवं अस्पताल प्रबंधन के बीच कुछ मांगों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए थे। सफाई कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष आदित्य बाल्मीकि के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने कुछ मांगों के साथ 17 नवंबर से जिला अस्पताल के सामने धरना देकर साफ सफाई बंद कर दी थी। धरने के बाद जब अस्पताल में गंदगी बढ़ने लगी तो सफाई ठेकेदार ने बाहर के सफाई कर्मचारियों को बुलाकर अस्पताल में सफाई शुरू करा दी, जिसके बाद हड़ताल पर मौजूद सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल पहुंचकर बाहरी सफाई कर्मचारियों के साथ गुंडागर्दी शुरू कर दी थी। मामला बिगड़ता देख मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल पहुंचा। इसके बाद हड़ताल पर मौजूद सफाई कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 10 लोगों को गिरफ्तार कर उनके धरना स्थल को भी हटा दिया गया। सिविल लाइन पुलिस द्वारा हड़ताली सफाई कर्मियों के विरुद्ध की गई इसी कार्रवाई से नाराज होकर लगभग 200 सफाई कर्मचारी सोमवार को सिविल लाइन थाने का घेराव करने पहुंच गए। इसकी जानकारी लगते ही एसडीएम बीबी गंगेले और एसपी सचिन शर्मा भी थाने पहुंचे और सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत कर बीच का रास्ता खोज लिया। ये हमारी सफाई कर्मचारी थी, 17 तारीख से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर थे और चूंकि उस टाइम पे कोरोना महामारी की गाइडलाइंस जो थी जारी नहीं थी, लेकिन निरंतर सफाई कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा था, जिससे सफाई कर्मचारियों की मांगें हड़ताल बढ़ती जा रही थी। चूंकि कल रात हमारे टेंट को पुलिस प्रशासन द्वारा हटा दिया गया और हमारे 10 लड़कों को पकड़ा गया सफाई कर्मचारियों को, जिसमें हमारी मांग थी या तो उन लड़कों को छोड़ा जाए या फिर हमारे पूरे कर्मचारियों को भी जेल में लिया जाए। प्रशासन और पुलिस की बैठक हुई है आप लोगों के साथ में, तो क्या निर्णय लिया गया उसमें? जी, हमारा निर्णय हुआ है, माननीय हमारे ज़िले के एसडीएम साहब और माननीय जिला एसपी साहब थे, उन्होंने कोरोना को देखते हुए हम लोगों से कहा है कि भैया कोरोना है और आपकी इसमें अहम भूमिका है और शहर भी इससे अव्यवस्थित हो रहा है, तो हम उनकी बात को मानते हुए उन्होंने कहा कि आपकी मांगों को हम 10 दिन के अंदर पूर्ण करते हैं और इसकी जवाबदारी जो है एसडीएम साहब ने खुद स्वयं ली है कि अगर हम आपकी मांगों को पूर्ण नहीं करते हैं तो इसकी जवाबदारी जो है माननीय एसडीएम साहब की होगी। आपके जो लोग जिन्हें पकड़ा गया था उन्हें छोड़ दिया गया? अभी नहीं, छोड़ देंगे लेकिन थोड़ा देर में, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया। कौन सी आपकी मुख्य मांगें हैं जिसको लेकर आप प्रदर्शन? हमारी जो मुख्य मांग थी वो हमारी ये थी कि जो हमारे जिला चिकित्सालय में सफाई का टेंडर या ठेका हुआ है उसकी गाइडलाइन से हमें अवलोकन कराया जाए, हमारे लोगों को वो शर्तें बताई जाएँ और जो नाना प्रकार की ठेके के बाद जो अनियमितताएं आती हैं कि किसी कर्मचारी को पीपी किट नहीं दी जा रही है, सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं, उन्हें सैलरी समय पे नहीं दी जा रही है, सैलरी उनकी काटी जा रही है और कर्मचारियों को कम कर दिया जाता है, इस तरह की गंभीर समस्याओं को लेकर हमने ये मांग की थी कि हमें टेंडर की गाइडलाइन का अवलोकन कराया जाए, जिसको लेकर माननीय सिविल सर्जन द्वारा निरंतर टाला दिया जा रहा था और न ठेकेदार से मिलाया जा रहा था। क्योंकि लेकिन अब एसडीएम साहब ने आश्वासन दे दिया है तो हम भी उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं और 10 दिन में उन्होंने कहा कि हमारी सारी मांगों को पूरा किया जाएगा। माननीय एसडीएम के आश्वासन पे हम अपने कामों पर वापस जा रहे हैं और इसके बाद अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इसके जिम्मेदार माननीय एसडीएम साहब होंगे। एसडीएम बीबी गंगेले ने कहा कि जल्द ही सफाई कर्मचारी काम पर लौट आएंगे और शहर में साफ सफाई की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से पटरी पर लौटेगी। सफाई कर्मचारियों की दो दरस से जो हड़ताल चल रही थी उसमें उनकी मांग थी कि हमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अस्पताल का इसकी कॉपी उपलब्ध कराई है, तो कॉपी में उनको उपलब्ध करा दी है, व्हाट्सएप पे दे दी है। काफ़ी देर तक आरोप करते रहे तो दूर तला सर, क्या है आप पे भी आरोप लगाए उन्होंने काफ़ी? अब बहुत प्रशासन पर आरोप तो हमेशा लगते हैं, कोई नई बात नहीं है। उन्हें पूरी सुविधाएँ नहीं मिलती, जब भी सफाई करते हैं तो ना पीपी किट मिलती है ना ग्लव्स मिलते हैं, ये बातें नहीं करता हमने, तो इसके लिए किस तरह से हर प्रयास किए जाएंगे? अब उनको जो आउटसोर्स का जो ठेका हुआ है उनके साथ सिविल सर्जन सीएमएचओ के साथ बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी उनको।
जैसा कि सर उनका कहना है कि अस्पताल की उसमें राजनीति होने लगती है और बाहर के लोग जो समाज करते हैं वो लोग उसमें इंटरफेयर करते हैं। अगर ऐसा था तो उन्हें क्यों नहीं पुलिस थाने में एफआईआर कराई? साथ में शहर में भी सफाई नहीं हो रही है, पूरी कर्मचारी हड़ताल पर हो गए हैं, नगर पालिका की भी अस्पताल से पूरा शहर भी गंदा है। अब तो प्रशासन दो दिन से का तीन दिन से प्रयास कर रहा है, अब उनकी हर बार एक नई मांग जुड़ जाती है कि इसके बाद ये भी सर प्रदर्शन कर रहे थे जो लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। अब बिना अनुमति के आप इस कोविड के संक्रमण में आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, कोई जुलूस नहीं निकाल सकते, वो तो कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन है। जैसे कि उन्हें पकड़ा गया था उन पर एफआईआर दर्ज हुई है क्या या आपने गिरफ्तार किया गया? अब वो तो थाना प्रभारी से पता चलेगा आपको। सफाई कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर खासकर जिला अस्पताल में पिछले दो दिन से धरना दिया जा रहा था, सभी को समझाइश की गई। एसडीएम साहब ने भी यहाँ पे आश्वासन दिया है कि कहीं से कहीं तक भी जो भी नियम शर्तें हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की हैं वो उनको संज्ञान में लाई जाएंगी और यथासंभव उनकी मदद की जाएगी। तुम्हारे सामने तो सारी दुनिया की हीरोइनें हेल हैं। खुश करने तुमने मुंह में लपा लपा था। तुम एक बता रही थी कि समाज सेवा के लिए सब भाई साहब आज खाने में सब्जी क्या बनानी है? आज हमने सीखा कमला बाई से साफ सफाई कराना चाहिए और धोबी से कपड़े स्वच्छ धुलवाना चाहिए।